हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें, तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये हैं धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्त अंक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं मंटू कुमार, और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग 11th मैथ एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ने जा रहे हैं। उसको शुरू करने का पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन जान लें, और उसका इंट्रोडक्शन हम लोग कुछ एग्जांपल से जानते हैं। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि यदि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा a बराबर 1, 2, 4 तो a डैश निकालें, ए डैश निकालें, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ए डैश निकालें, तो इस ए डैश को क्या पढ़ेंगे? इस ए डैश को पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए का पूरक निकालें, ठीक है। ये क्वेश्चन है। मान लीजिए यू का एक मान दिया हो, ए का एक मान दिया हो, और कहे कि ए डैश निकाले, तो ए डैश को क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें। और एक बात ध्यान दे, कहीं भी ऊपर डैश निकालना हो, कहीं भी ऊपर डैश हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो पक्का उसमें यू का मान जरूर रहेगा, पक्का उसमें यू का मान जरूर रहेगा। अब थोड़ा एक सूत्र जान ले, एक ऊपर डैश हो तो इसे पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। इसका सूत्र होता है यू माइनस ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ठीक है, उसको यू में से घटा देंगे। जैसे बी देखें, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू में से बी को क्या करेंगे, घटा देंगे, यू माइनस बी। उसी तरह से मान लें राधा कॉम्प्लीमेंट, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो उसका मतलब है उस चीज को यू में से घटा दे, इसका मतलब यू माइनस राधा कंप्लीट। जैसे बोले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी चीज को ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है उस चीज को यू में से घटाएंगे, तो क्या होगा, यू माइनस इसको घटा देंगे ए यूनियन बी। मान लीजिए आपको ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो, मैं बार बार बोल दिया हूँ, किसी भी चीज के अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो इसका मतलब यह होता है कि इस चीज को यू में से घटाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी को किस में से घटाएंगे, यू में से। देखो यू माइनस, यू माइनस, अब कॉम्प्लीमेंट तो हट गया, सूत्र लिखा है, तो क्या लिखे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ गए। अब इसको सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो सोल्यूशन करेंगे तो पहले दिया है, क्या दिया है आपका, यू बराबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ए बराबर आपका दिया है 1, 2, 4, इसलिए हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसका सूत्र होता है यू माइनस ए, तो लिखेंगे यू माइनस ए, इसको डिफरेंस बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू क्या है, तो यू का वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंस। और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1, 2, 4, U का मान रख दिए, A का मान रख दिए, अब U में से A को घटाना है। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोग डिफरेंस सिखाया था, अंतर सिखाया था या घटाव सिखाया था, क्या सिखाया था, आगे और पीछे दोनों में जो मिले उसे मिला देंगे। तो क्या मिल रहा है देखें, तो मिल रहा है मान लीजिए आगे में भी 1 है, पीछे 1 है, आगे भी 2 है, पीछे भी 2 है, आगे भी 4 है और पीछे भी 4 है, ठीक है।
आगे और पीछे में जो मिले उसे मिला देंगे और जो आगे वाले में बचे वही आंसर होगा, पीछे वाले में नहीं, जो आगे वाले में बचे वही आंसर होता। आगे वाले में क्या बच रहा है, 3 और 5, यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अपने एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करते हैं। इसमें एक यू का मान दिया है, एक ए का मान दिया है और एक बी का मान दिया है और उस पर एक क्वेश्चन दिया है कुल, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम तुरंत पढ़ें कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, मतलब ऊपर से एक कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो जो भी चीज होगा यू में से घट जाएगा। उसी तरह इसका मतलब क्या हुआ देखें, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। उसी तरह से ए यूनियन सी मतलब मैं बता चुका हूं किसी के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो चीज यू में से घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका U माइनस क्या है, A यूनियन C, इसको ले A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, U माइनस A यूनियन B, किसी भी चीज में से कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो U में से घट जाएगा। अब बनाए एक एक करके सबको, U में से एक घटाना है तो आगे किसका मान रखेंगे, U का, और U का मान क्या दिया है आपका 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंस, ठीक है। यू का लिख दिया मान आगे, पीछे किसका मान लिखना है, ए का। ए का मान क्या दिया है, 1, 2, 3, 4। हम लोग घटाना जानते हैं, डिफरेंस निकालना जानते हैं, आगे और पीछे जो मिले उसे मिला देंगे तो 1 से 1 मिल रहा है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। आगे और पीछे में जो मिले उसे मिला देंगे, फिर जो आगे वाला में एक्स्ट्रा बचेगा उसे उतार देंगे। तो आगे वाला में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है देखे, तो बच रहा है 5, 6, 7, 8 और 9, यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह यहाँ यू में से किसको घटाना है, बी को। आगे यू का मान लिख देंगे, फिर घटाओ का चिन्ह, फिर बी का मान लिख देंगे, फिर घटा देंगे। यहाँ पे देखे, यहाँ पे U में से किसको घटाना है, A यूनियन C को। तो आगे हमेशा हम लोग U का मान लिखेंगे, किसका मान, U का मान। तो देखे तो U का मान क्या है, तो U का मान 1 से लेकर 9 तक है, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घटाओ का चिन्ह डिफरेंस। यहाँ पे U माइनस, यहाँ पे A यूनियन C का मान लिखना है, मतलब यहाँ पे हम A यूनियन C का मान लिखेंगे, केवल A का, केवल C का नहीं, दोनों का। और यूनियन निकालना आप अच्छी तरह जानते हैं, आगे A में का उतारेंगे फिर C में का उतारेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर जाए दोबारा नहीं उतरे। तो पहले A में का उतारें, A में है क्या देखे, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यूनियन C में का उतारेंगे, ठीक है। C का मान कहाँ है, एक मिनट बुक में देख रहे हैं, C का मान, हाँ C का मान दिया आपका, C का मान दिया है 3, 4, 5, 6, ठीक है। C का मान दिया है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे पहले क्लियर हो गया, U ले लिए माइनस A का, फिर किसका, C का। तो जब C का मान लिखेंगे तो A का तो मान लिख दे, C का मान क्या है, 3, 3 पहले उतर चुका है, फिर है 4, 4 भी उतर चुका है, क्या हुआ 5 और 6। आगे बढ़ेंगे तो इसमें से इसको क्या करना है, हमें घटाना है, घटाना है। तो देखे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4, 5, 6 तक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा देखे तो 7, 8, 9, 7, 8, 9। उसी तरह से यहाँ पे U में से A यूनियन B घटाना है, आप लोग घटा लेंगे। और कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछेंगे, हम अगला वीडियो में जरूर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट, याद रखें किसी भी चीज के ऊपर 2 कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल है तो इसका मान होगा ए। उसी तरह से हम बोल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट तो इसका मान होगा बी। तो किसी भी चीज के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो दोनों कैंसिल है तो उसका मान होता है ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान रख देंगे तो ए का मान क्या है देखे तो 1, 2, 3, 4 होगा आंसर। यहाँ पे देखें कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यू में से घटेगा, ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यू में से घटेगा। तो इसको यू में से घटाएंगे तो क्या होगा, यू माइनस क्या घटेगा, बी माइनस सी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, यू का,
आगे किसका मान रखेंगे, यू का। तो यू का मान क्या है बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंस। यहाँ पे बी डिफरेंस सी का मान रखना है, मतलब बी में से सी को घटा के और तब यहाँ पे भरना है। तो कहीं अलग हम बी में से सी को घटा ले रहे हैं, बी माइनस सी। बी का मान क्या था बोले, 2, 4, 6, 8 डिफरेंस। सी का मान क्या था, 3, 4, 5, 6 ठीक है, इसमें से घटाना है। तो जो जो मिलता है मिलाते हैं, तो 4 से 4 मिल जाएगा और 6 से 6 मिल जाएगा। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जो मिलता है उसे छोड़ के आगे वाला में को उतारते हैं, तो बचा क्या आगे वाला में, 2 और 8 मतलब बी डिफरेंस सी का मान है 2, 8 ठीक है। तो यहाँ पे बी डिफरेंस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 और 8। जब आगे बढ़ेंगे लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटाना है, तो जो मिले उसे मिलाएंगे तो 2 से 2 मिल जाएगा और 8 से 8 मिल जाएगा। शेष जो बच्चे आगे उतार लेते हैं, तो शेष क्या बचेगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू का मान दिया है और फिर इसमें 4 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इस चारों क्वेश्चन का आप कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है। तो हम एक एक करके निकाल देंगे। जैसे ए का मान दिया है, इसलिए अगर हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यू में से घट जाता है, तो यू माइनस क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए का मान दिया है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस से आ गया। यू का मान रखेंगे तो यू का मान क्या है, देखो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच डिफरेंस यू। अब में से माइनस क्या करना है, ए का। तो ए का मान क्या है, ए बी और सी। आगे से बढ़ेंगे तो आगे में से पीछे घट जाएगा, तो ए से ए घट जाएगा, बी से बी, सी से सी। तो क्या बचेगा आगे, आगे बचेगा आपका डी ई एफ जी और एच, यही मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यू माइनस बी। अब आगे यू का मान रख देंगे, तो यू का मान क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डिफरेंस। बी का मान क्या है, बी का मान है डी ई एफ जी। देखो तो आगे यू का मान रख दिए और डिफरेंस कर दिए किसका मान को, हमने बी के मान को। क्या क्या, डी से डी कैंसिल और ई से ई कैंसिल और क्या है, एफ से एफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल। आगे क्या बचेगा देखे तो, क्या बचेगा, ए बी सी एच, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरीका से यहाँ पे यू माइनस सी और यहाँ पे यू माइनस डी आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यू कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया x एक प्राकृत संख्या, तो इसको हमने ये मान लिया, इसको b, इसको हमने c मान लिया। इस तरह और क्वेश्चन भी है। तो यू कह रहा है प्राकृत संख्या और a कह रहा है कि प्राकृत संख्या है जो कि सम है, जो कि क्या है, सम है। तो हर क्वेश्चन का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ठीक है। हर सवाल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब आप एक बात सोचें, पूरे प्राकृत संख्याओं में से सम प्राकृत संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, पूरे संख्याओं में से सम घट जाएगा तो विषम बचेगा, सम को अलग कर देंगे तो विषम ही बचेगा। तो पूरे प्राकृत संख्या है और उसमें से ए सम को घटाना है, देखा तो सम संख्या घट जाएगा तो विषम बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्राकृत विषम संख्या है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम जानते हैं यू माइनस बी। अब देखें पूरे संख्याओं में से, क्योंकि यू कह रहा है प्राकृत संख्या, विषम संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो पूरे संख्याओं में से विषम संख्या घट जाएगा तो सम संख्या बचेगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, चूंकि यू प्राकृत संख्या कह दिया, इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका उल्टा लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा, उसका उल्टा, यस को नो और नो को यस कर देंगे, ठीक है। तो
तो पूरे संख्या में से विषम घटेगा तो क्या बचेगा, सम बचेगा। तो इसका आंसर हो गया एक्स 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 एक सम प्राकृत संख्या है। उस तरह देखें क्वेश्चन नंबर सी, यू डिफरेंस सी कह रहा है पूरे संख्या में से तीन का गुणज घट जा रहा है, घटाना है। तो पूरे बताए पूरे संख्या में से तीन के गुणज घट जाएगा, मतलब तीन छः नौ बारह पंद्रह घट जाएगा तो क्या बचेगा, वे संख्या जो तीन के गुणज नहीं है। पूरे संख्या में से तीन के गुणज घट जाएगा तो क्या बचेगा, वे संख्या जो तीन के गुणज नहीं है। मैं पहले बोल दिया यस को नो कर दे, नो को यस कर दे। तो इसका आंसर होगा एक्स एक्स वे संख्याएं जो तीन के गुणज नहीं हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जस्ट एक्स तथा एक्स वह संख्या जो तीन के गुणज नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार को लेते हैं, डी का मान दिया है एक्स जस्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो कह रहे हैं कि डी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हम जानते हैं यू माइनस डी। तो आप लोग बताएं पूरे संख्या में से अभाज्य घट जाएगा तो क्या बचेगा, भाज्य बचेगा और वन बचेगा, क्योंकि वन को नौ तो हम लोग भाज्य मानते हैं, नौ ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है, टू से शुरू होता है, टू अभाज्य है, थ्री अभाज्य है, फोर भाज्य है, फाइव अभाज्य है, एक दिन में बताया था पहला लेक्चर में। तो याद कर लें पूरे संख्याओं में से अभाज्य घट जाएगा तो क्या बचेगा, भाज्य संख्या बचेगा और वन बचेगा, क्योंकि वन को न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स जस्ट एक्स एक भाज्य संख्या है या एक्स बराबर वन, मतलब यह भी है और यह भी है। ठीक है, पूरे संख्या में से अभाज्य घट जाएगा तो क्या बचेगा, भाज्य बचेगा और वन बचेगा। इसको ले ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ई। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, तीन और पांच से विभाजित होने वाली संख्या है, तब बताएं पूरे संख्याएं में से वे संख्याएं घट जाएंगे जो तीन या पांच से विभाजित होते हैं, तो कौन संख्या बचेंगे, वे संख्याएं जो तीन और पांच से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिख दें क्या चीज, एक्स जस्ट एक्स एक संख्या जो तीन से विभाजित नहीं है या नहीं है या जो पांच से विभाजित नहीं है। एक बार और समझ ले, पूरे संख्याओं में से उस संख्याओं को घटाना है जो तीन से विभाजित नहीं है और पांच से विभाजित, सॉरी हाँ तीन से विभाजित है और पांच से विभाजित है, उसको घटाना है पूरे संख्याओं में से। तो जब तीन से विभाजित होने वाले पांच से विभाजित होने वाले घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, वे संख्याएं बचेंगे जो तीन से विभाजित नहीं हो चाहे पांच से विभाजित नहीं हो। इसको ले एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग का उल्टा पूर्ण वर्ग नहीं। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, एक्स जस्ट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे है जी एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोग लिख लेंगे, चले क्वेश्चन नंबर आठ को बनाते हैं। यह दिया है एक्स जस्ट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट और कह रहा है इसका पूरक निकालें। ठीक है, तो पहले मान ले इसको, मान लीजिए एच बराबर कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मान लीजिए h बराबर इतना है। ठीक है, तो इसका पूरक निकालना है, तो पहले हम लोग रफ में चल रहे हैं। ठीक है, तो रफ में जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए सस्डेट के आगे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो बचता है वह क्वेश्चन होता है। सस्डेट के आगे छोड़ देते हैं, उसके बाद जो बचता है क्वेश्चन होता है। तो क्या क्वेश्चन बचा आपका, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट या एक्स इज इक्वल टू आठ, या प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में पाँच होगा। एक्स बराबर क्या हो गया आपका तीन, मतलब यहाँ पे एक्स का मान तीन है। अब बताएं पूरे संख्या में से एक्स का मान तीन घटाएंगे तो क्या बचेगा, तीन को छोड़ के बाकी सभी संख्या, तीन को छोड़ के बाकी सभी संख्या। तो यहाँ पे एच कॉम्प्लीमेंट आपका होगा, एच कॉम्प्लीमेंट होगा तीन को छोड़ के बाकी सब संख्या, क्योंकि जब हम इसको बना रहे हैं तो प्लस पाँच, देखें कभी भी इसमें क्वेश्चन सस्डेट के आगे छोड़ देते हैं, इधर जो बचता है क्वेश्चन होता है।
और क्वेश्चन से हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स का मान, इस क्वेश्चन के लिए एक्स का मान क्या है, तीन है। एक्स का मान क्या है, तीन है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कंप्लीट देखें तो यहाँ पे एक्स का मान है तीन, ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान तीन है। जब यहाँ पे एच कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो तीन को छोड़ के बाकी सभी संख्या, तीन को छोड़ के बाकी सभी संख्या, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स एक्स, ठीक है, तीन को छोड़कर बाकी सभी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि हमें इसका तो पूरक निकालना है ना, तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो तीन आ रहा है, ठीक है। और जब इसका हम लोग पूरक निकालेंगे तो हम जानते हैं h के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो u माइनस ए, आप पूरे u में से, पूरे प्राकृत संख्याओं में से तीन घट जाएगा, तो तीन को छोड़ के बाकी सभी प्राकृत संख्याएं। देखें एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर गलत दिया है, आंसर तीन ही दे दिया है, ठीक है, तीन तो क्वेश्चन ही हुआ। जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसको घटाना है, तो जब ये घट जाएगा तो तीन को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं होगा, या इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ को एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स सजेस एक्स बिलोंग टू एन, मैंने एक्स सजेस एक्स बिलोंग टू एन, मैंने इसका मान क्या, एन है, नेचुरल नंबर है, और एक्स का मान क्या नहीं है, तीन को छोड़ के, एक्स का मान तीन को छोड़ के, तो आपके बुक में आंसर यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, जो आपका बुक आंसर गलत दे रहा है, ठीक है, क्योंकि तीन को तो घटाना है, ठीक है, तो तीन को छोड़ के, तीन को छोड़ के बाकी सब प्राकृत संख्या होगा। तो आप मन तो ऐसे लिखें और मन तो ऐसे लिखें, दोनों आंसर क्या आपका सही है। अब इसको चले, एक क्वेश्चन है, इसको कहीं अलग रफ में सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या क्वेश्चन है देखे, तो क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, आगे बढ़ेंगे तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x का मान 2 आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है, तो इसका भी आंसर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे h मान लें, यहाँ पे m मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, m मान लिए, तो पहले एम का मान क्या आ रहा है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2, तो पूरे प्राकृत संख्याओं में से हमें 2 घटाना है, ठीक है। तो अगर हम एम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरे प्राकृत संख्या में जब 2 घट जाएगा तो क्या होगा, 2 को छोड़ के बाकी सब प्राकृत संख्या बचेगा, या इस रूप में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखें, तो कैसे लिखा हूँ, एक्स दिस एक्स बिलोंग टू एन, मतलब एन का मान जो है, एक्स का जो मान है एन है, एन मैंने नेचुरल नंबर में पढ़ा दिया हूँ, लेकिन किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, और एक्स बराबर नहीं है 2 के, आपके एनसीईआरटी बुक में मिसप्रिंट कर दिया आंसर, हर जगह यहाँ पे भी इक्वल टू दे दिया है, ठीक है, और यहाँ भी क्या दिया है, इक्वल टू दे दिया, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि एक्स का मान 7 से बड़ा या 7 के बराबर, यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान 7 से बड़ा या 7 के बराबर कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एन मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो एन जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से एन घटेगा ना, ठीक है, और यह कह रहा है कि एक्स का मान 7 से बड़ा या बराबर है, तो पूरे संख्याओं में से वो संख्या घट जाएगा जो 7 से बड़ा या बराबर है, तो क्या बचेगा, वे संख्याएं जो 7 से छोटा है, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, एक्स सजेस्ट एक्स लेस देन 7, एक बार समझे, पूरे संख्या है, ठीक है, 7 से बड़ा है या बराबर है, तो जितना संख्या है उसमें 7 से बड़ा या बराबर संख्या घट जाएगा, 7 से बड़ा घट जाएगा, तो क्या बचेगा, वह संख्या जो 7 से छोटा है, उस तरह से भी आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यू का मान दिया है, ए का मान दिया और बी का मान दिया, और इसमें दो क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमें सिद्ध करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होता है, ठीक है, यह LHS है या RHS है, ये दोनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब हम सिद्ध करें तो लिखेंगे सॉल्यूशन, हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों को सिद्ध करना है, तो पहले आगे वाला मान निकालेंगे, ठीक है, LHS का मान निकालेंगे, फिर पीछे वाला RHS का मान निकालेंगे, अगर दोनों मान बराबर आता है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होता है, अगर बराबर नहीं आता है तो बराबर नहीं होता है, तो पहले हम LHS का मान निकाल रहे हैं, तो LHS है क्या, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है,
LHS ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से घटेगा, किस में से घटेगा, यू में से। तो इसका मतलब है यू माइनस क्या घटेगा, ए यूनियन बी। कंप्लीट है, क्या हो गया, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यू माइनस कॉम्प्लीमेंट घटेगा तो ए यूनियन बी, अभी तुरंत हमने पढ़ा। अब आगे किसका मान रखेंगे, यू का। तो यू का मान क्या आप लोग बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंस क्या घटेगा, ए यूनियन बी घटेगा। देखें यू का मान आगे लिख दिए और माइनस का चिन्ह लिख दिए, अब क्या घटाना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप लोग को निकालना सिखाया हूँ कि पहले ए में के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी में के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार लिखा जाए। तो पहले ए में के सभी एलिमेंट्स लिखें, क्या है ए में के एलिमेंट्स, देखे तो 2 4 6 8 ए में के एलिमेंट्स लिखा गया, पहले ए में के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे फिर बी में के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि एक बार एलिमेंट जो लिखा जाएगा दोबारा नहीं लिखेगा। अब बी में एंट्री मार रहे हैं तो 2 है, 2 लिखा गया है, अब लिखेंगे 3 और क्या है 5 और क्या है 7। ठीक है, एक बार और समझें, LHS है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट, हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से घटाते हैं, तो यू माइनस ए यूनियन बी, आगे हमने यू का मान लिख दिया माइनस पीछे हमें ए यूनियन बी का मान निकला है। हमने ए यूनियन बी निकालना आप लोगों को सिखाया है, पहले ए में का सभी एलिमेंट्स उतारेंगे फिर बी में का सभी एलिमेंट्स उतारेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जो एलिमेंट्स एक बार उतर गया है दोबारा नहीं उतरेगा। तो पहले ए में का सभी एलिमेंट्स उतार रहे हैं तो एक एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 उतार लिया, बी में एंट्री मार रहे हैं तो बी में पहला 2 है, पहले उतर चुका है तो दोबारा नहीं उतरेगा, क्या है 3 5 7। अब इसको घटा दे तो देख रहे हैं कि क्या 2 से 2 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा और 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल और क्या कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 7 से आपका 7 कैंसिल। तो क्या बचेगा आगे देखे तो 1 और 9 बचेगा। ठीक है, यह मेरा हो गया LHS। ठीक है, मैं समझाने के लिए कैंसिल किया, आप लोग भी कैंसिल मत कर देंगे, आप लोग समझ जाएंगे खुद, समझ में आ गया। आगे देखें अब चल रहे ये LHS बन गया, अब RHS बनाना है, लिखेंगे तथा RHS का मान क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आगे हमें एक कॉम्प्लीमेंट का मान लिखना है। हम जानते हैं एक कॉम्प्लीमेंट माने क्या, यू माइनस ए, देखे तो आगे क्या है एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या यू माइनस ए, बीच में किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या यू माइनस बी। ठीक है, पहले हमने LHS बनाया देखें, अब हम RHS बना रहे। ठीक है, तो RHS क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का यू माइनस ए, बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह, बी कॉम्प्लीमेंट क्या यू माइनस बी। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें U में से A को घटा के लिखना है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा U का मान 1 से लेके 9 तक है और उसमें से A को घटा के लिखना है, तो A क्या है 2 4 6 8, तो पूरा 1 से लेके 9 तक में 2 4 6 8 घट जाएगा, तो 2 से 2 ही कट जाएगा, 4 से 4 ही कट जाएगा और 6 से 6 भी कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा। तो क्या बचेगा आगे वाला में, बचेगा क्या देखे तो 1 3 5 7 9 बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह, तो इंटरसेक्शन का चिन्ह, क्लियर, बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह, तो इंटरसेक्शन चिन्ह। यहां पे देखें U में से B को घटा के लिखना है, U में से B को घटा के लिखना है, तो पूरा U है आपका 1 से लेकर 9 तक, B यह घट जाएगा, B का मैंने 2 3 5 7, तो देखें तो 2 घट जाएगा तो इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 घटेगा तो 3 भी कैंसिल, 5 घटेगा तो 5 भी कैंसिल और 7 घटेगा तो 7 भी कैंसिल। तो पूरे 1 से लेकर 9 तक में से हम लोग क्या घटा देंगे 2 3 5 7 बी को घटा देंगे, तो आगे क्या बचेगा देखे तो 1 4 6 8 और 9 बचेगा आपका। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन हम जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, जो आगे और पीछे दोनों में लड़े, कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, जिस विद्यार्थी का एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 छूट गया है
पहले वो पिछले एक्सरसाइज को पढ़ें, तब एंट्री करें 1.5 में, तो खूब समझ में आएगा सेट, ठीक है। तो इसको देखें, बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों आगे पीछे दोनों में लड़ जाए वो इंटरसेक्शन होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वही इंटरसेक्शन होता है। तो आगे भी वन है, पीछे भी वन है, पीछे आगे नाइन है, और कुछ दोनों में लड़ रहा है, नहीं, तो क्या हो गया वन और नाइन, ठीक है। अब देख रहे हैं कि LHS का मान क्या आया था, एक और नौ, RHS का मान क्या हो गया, एक और नौ, इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इस प्रकार क्या आपका A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग घर पे प्रूफ कर लेंगे, सेम इसी का जैसा प्रूफ होगा। कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके मुझसे बताएं, मैं अगले वीडियो में उसका जरूर डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, उतार लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 में 4 क्वेश्चन दिया, कह रहा है सबको वेन आलेख से दिखाएं। वेन आलेख क्या होता है, मतलब एक तरह से ग्राफ से दिखाएं, ठीक है। तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको अब हम लोग ग्राफ से दिखाने जा रहे हैं, वेन आलेख से दिखाने जा रहे हैं। तो याद रखें, वेन आलेख समझने के लिए सबसे पहले देखें, एक हम लोग रेक्टेंगल खींचते हैं, मतलब आयत खींचते हैं। वेन आलेख के लिए सबसे पहले हम लोग एक आयत खींचते हैं, आयत के अंदर दो सर्किल खींचते हैं, मतलब वृत्त खींचते हैं, दो वृत्त खींचते हैं, वृत्त, दो वृत्त खींचते हैं, ठीक है। जो ये आयत होता है वो पूरे U का मान होता है, यूनिवर्सल सेट। और दो सर्किल में एक सर्किल को A मान लेते हैं, एक सर्किल को B मान लेते हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, कभी भी वेन आलेख खींचने के लिए वेन डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं, ठीक है। आयत का मतलब U होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा समुच्चय। उसके अंदर हम दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त का नाम A रखते हैं, एक वृत्त का नाम B रखते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा हम लोग अब जो कहता है हम लोग दिखाते हैं। तो पहला कह रहा है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट दिखाएं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट दिखाएं। तो हम जानते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A यूनियन B, मतलब पूरे U, मतलब पूरे U माने पूरे आयत में से किसको घटा देना है, A यूनियन B को, ठीक है। बस आप लोग सूत्र याद रहेंगे तो काफ़ी आसान होता है हर चीज। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, U माइनस A यूनियन B, आ U क्या है, पूरे रेक्टेंगुलर है, ठीक है, पूरे आयत को U बोलते हैं, आ U में से A यूनियन B को घटा देंगे। अब देखें A यूनियन B क्या होता है, जो A में शामिल हो, जो B में शामिल हो, और जो दोनों में शामिल हो, सबको मिला के बोलते हैं A यूनियन B। A यूनियन B क्या, A में भी शामिल हो, B में भी शामिल हो, दोनों में भी शामिल हो, उसको बोलते हैं A यूनियन B। तब देखिए आप लोग, या जो या A है, A वाला को भी बोलेंगे A यूनियन B, या B B वाला को भी बोलेंगे A यूनियन B, आई जो B चला भाग दोनों में शामिल है, A B दोनों में ही शामिल है, इसको भी बोलेंगे A यूनियन B। A यूनियन B में सभी आते हैं, A वाले भी आते हैं, B वाले भी आते हैं, और C वाले भी आते हैं, सॉरी दोनों में जो शामिल होते हैं वो भी आते हैं। तो कह रहा है कि अब A यूनियन B दिखाना है कि घटाना है, देखिए इसको घटाना है, दिखाना नहीं है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इसका मतलब इसको घटाना है, दिखाना नहीं है। तो इसको घटाना है मतलब इसको छोड़ देंगे बीच वाले हिस्सा को, बाकी हिस्सा को पेंट कर देंगे। क्यों इस हिस्से को छोड़े, क्योंकि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिखाना था, कॉम्प्लीमेंट दिखाना था, मतलब U में से A यूनियन B को घटा देना था। और जिसको घटाना होता है उसको हम लोग सादा रखते हैं, उसको पेंट नहीं करते हैं। तो A यूनियन B को हमें चूंकि घटाना है, इसलिए A यूनियन B को पेंट नहीं करेंगे, बाकी हिस्सा को पेंट कर देंगे। तो A यूनियन B क्या है, टोटल हिस्सा A यूनियन B है, इसलिए हमने क्या किया कि दोनों सर्किल को छोड़ के बाकी को हमने पेंट कर दिया। आप लोग अच्छा से घर पर पेंट करेंगे तो यह किसका हो गया आपका, A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट का हो गया। तो यह जो वेन डायग्राम किसका हुआ, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। साथ ही अभी तुरंत हमने एक सूत्र प्रूफ किया, तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 में A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट का एक और सूत्र होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो जब दोनों सूत्र बराबर है तो दोनों का डायग्राम भी बराबर होगा। तो यह डायग्राम किसका हुआ? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम यही हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम यही भी हुआ। थोड़ा सा एक और बात जानकारी के लिए बता दूं, यह कॉम्प्लीमेंट का टर्म हुआ। अगर आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, अगर केवल मान ले यू हो गया, यह हो गया ए और यह हो गया आपका बी, ए बी, और कोई कहा कि ए यूनियन बी का डायग्राम खींचे, या देखिए ए यूनियन बी का नहीं था, उसका कॉम्प्लीमेंट का था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको दिखाना नहीं था, यू में से घटा देना था, ठीक है। तो आपको अगर ए यूनियन बी का डायग्राम खींचना हो तो पहले ए को दिखाएंगे, फिर बी को दिखाएंगे, और फिर दोनों में जो मिलता है उसको भी दिखाएंगे। तो हम ए को पहले दिखाएं, फिर बी को दिखाएं, फिर जो दोनों में मिला उसको दिखाएं, ठीक है। तो यह डायग्राम हुआ ए यूनियन बी का। लेकिन यहाँ पे हमें बनाना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से इसको घटा देना था। तो यू में से पूरा यह जो पेंट है घट जाएगा, तो बीच वाला उजला हो जाएगा, बाकी बाहर की तरफ पेंट कर दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो बना रहे हैं, दो और तीन एक साथ बन जाएगा। मान लीजिए हमने क्या खींच दिया, हमने एक खींच दिया आपका रेक्टेंगल आयत, यह यू को दिखाता है, और हम अच्छी तरह जानते हैं बीच में दो का वृत्त खींचते हैं, वृत्त ए है और यह वृत्त क्या है, बी है, ठीक है। अब हमें पहले देखना है किसको दिखाना है, तो हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं यू माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें हमें ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है कि घटाना है, घटाना है, ठीक है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो घटाना होता है उसको पेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, आज जिसको घटाना होता है उसको हम पेंट नहीं करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए में भी शामिल हो जो बी में भी शामिल हो। तो देखे तो कौन सा इसमें हिस्सा है जो ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है, तो देखे तो यही तो हिस्सा है। देखे तो यही एक ऐसा हिस्सा है जो ए और बी दोनों वृत्तों में शामिल है, ठीक है। यही एक ऐसा हिस्सा है जो ए और बी दोनों वृत्तों में क्या है, शामिल है। तो हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, तो जिसको घटाना होता है उसको सादा रखते हैं, जिसको घटाना होता है उसको सादा रखते हैं, शेष हिस्सा को रंग देते हैं। तो बीच वाले चीज को दिखाना है इसलिए इसको सादा रखेंगे, शेष हिस्सा को रंग देंगे, ठीक है। जिसको घटाना होता है उसको हम लोग सादा रखते हैं, बाकी को रंग देते हैं। तो यह किसका हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। या क्वेश्चन नंबर चार में आप लोग ने सूत्र प्रूफ किया, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का सूत्र होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम यही हुआ, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम भी यही हुआ, दोनों का डायग्राम यही हुआ। अब एक अलग से थोड़ा पढ़ लें, अगर कोई आपसे कहे कि केवल ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम खींचा है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो, तो हम एक यहाँ पर यू बना देंगे, यार आपका ए का मान यार आपका बी का मान, ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में भी शामिल हो और जो बी में भी शामिल हो, दोनों में जो शामिल हो वही हिस्सा को बोलते हैं। तो दोनों में यही नहीं से शामिल है, ठीक है। तो देखें, तो चूंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना था इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को रंग दिए, लेकिन इसमें ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, दिखाना नहीं था, उसको घटाना था, इसलिए इस हिस्सा को सादा रख दिए। एकदम समझ में आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि मेरा मेहनत सार्थक हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए काफ़ी अधिक मेहनत कर रहा हूँ। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय शाब्दिक समुच्चय यू है, मतलब सभी समुच्चय के लिए यू बोला गया है। आगे देखें, और ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मान निकाले। देखें ए का मान दिया है 60 डिग्री से भिन्न, और यू का मान दिया है सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज। अब बताएं सभी त्रिभुज में से वे त्रिभुज घट जाएंगे जो 60 डिग्री से भिन्न हो, जो जो भी त्रिभुज 60 डिग्री से भिन्न हो घट जाएंगे, इसका मतलब जो त्रिभुज बचेंगे वो 60 डिग्री के बराबर होंगे, और 60 डिग्री के बराबर वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का मान हुआ सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। एक बार और समझ लें,
यू का मान दिया सभी त्रिभुज और ए का मान दिया 60 से भिन्न वाले त्रिभुज, वे त्रिभुज जो 60 से भिन्न हो, 60 का मान नहीं हो। तो सभी त्रिभुज में से 60 डिग्री से भिन्न वाले त्रिभुज घट जाएंगे तो वही ना त्रिभुज बचेंगे तो 60 डिग्री के बराबर होंगे, और 60 डिग्री के बराबर वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कह रहा है कि भरना है, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मान भरना है, ठीक है। तो याद कर ले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मान होता है यू। अब आपको सिद्ध करना है तो कोई भी मान, सिद्ध करने के लिए सोल्यूशन करने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। मान लें, माना कि ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं 1 2 और यू बराबर मान लें 1 2 3, सिद्ध करने के लिए कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग यह जाने कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सूत्र होता है यू। आपसे कोई कहे कि सिद्ध करके दिखाएं कैसे होता है, तो उसके लिए आप ए का कुछ भी मान मान सकते हैं। हमने ये नहीं कि हमने 1 2 माना तो आप भी 1 2 माने, और एक यू का मान मान सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यू का मान क्या है 1 2 3, माइनस ए का मान क्या है 1 2। जब 1 2 3 में से 1 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3, ठीक है। और इसलिए आप क्वेश्चन को लिखते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे ए का मान रखना है, तो ए का मान क्या है 1 2। अब बीच में यूनियन का मान रखना है, एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट का मान हमने क्या निकाला है 3, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3। तो जब देखना है कि यूनियन निकालने का रूल क्या होता है, पहले आगे वाला में को उतारो फिर पीछे वाला में को उतारो, यही ना रूल होता है। तो आगे वाला में क्या है 1 2, पीछे क्या है 3। 1 2 3 किसका मान माने हैं, देखा तो 1 2 3 किसका मान माने हैं, यू का मान माने हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका यू, क्लियर। तो सीध करना भी सीख गए। फिलहाल में आप लोग जान ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सूत्र होता है यू। कोई कहे सिद्ध करके दिखाएं तो आप कोई भी एक मान ए का मान ले, कोई भी यू का मान ले, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, इस तरह जो क्वेश्चन दिया निकाल दे, यू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 कह रहा है कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का मान बताएं, ठीक है। तो आप लोग बना के भी भर सकते हैं या डायरेक्ट भी भर सकते हैं, इसको बना के देखें क्या हो रहा है, ठीक है। तो बनाएंगे तो कुछ भी मान लें, माना कि u बराबर 1 2 3 कुछ भी, और a बराबर मान लें 1 2, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है फाई कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है फाई कॉम्प्लीमेंट। इसलिए फाई कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस फाई, ठीक है, u माइनस फाई। अब u का मान क्या है 1 2 3 में से, जब फाई घटेगा, फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो यही ना बचेगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसलिए क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। आगे हमें फाई कॉम्प्लीमेंट का मान भरना है, तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मान हमने क्या निकाला है 1 2 3, बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह, और ए का मान भरना है। ए का मान क्या निकाला हमने, ए का मान देखें तो क्या माना है 1 और 2, 1 और 2। हम जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, जो आगे और पीछे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो 1 आगे भी है पीछे भी है, 2 आगे भी है पीछे भी है, तो क्या हुआ 1 2। अब देखें तो 1 2 किसका मान माने हैं, तो 1 2 हमने ए का मान माना है, तो ये मान हो गया ए का। इसका मतलब कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का मान होता है ए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो आप लोग निकालना सीख जाएंगे तो बना लेंगे। देखें यू का कुछ मान मान लें, ए का मान मान लें, जिस तरह से कह रहा है उस तरह प्रोसेस से बना लें, पक्का आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मान होता है फाई, आप लोग सिद्ध कर लेंगे। इसी तरह ए का मान मान लेंगे, यू का मान मान लेंगे, सीधा फाई से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का भी मान भी होता है क्या चीज़, फाई। आप लोग दोनों सिद्ध कर लेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछेंगे, ठीक है।